सम्माननीय धर्म प्रेमी भाइयों एवं भक्तिमती माता बहनों, पिछले साल दिसंबर के महीने में यहीं बैठते थे और लगभग सवा साल तो हो गए। मार्च के महीने में भी वही दिसंबर का कुछ प्रभाव बचा हुआ है। पिछले साल के सत्संग में आप में से कितने लोग आते रहे, जरा हाथ उठाएंगे क्या? अच्छा, सब आते थे, तो फिर इस साल क्यों आ रहे हैं? इस साल फिर सुनना है। पिछले साल लगभग लोग आते रहे, इस साल फिर सुनने का मन हुआ। देखिए, अरुण भैया का मन कि नहीं सत्संग इस साल फिर हो जाए। मैंने कहा भी 5 दिन का करा लो। नहीं साहब, 7 दिन का। और 7 दिन के लिए बस निश्चय कर लिए। कल तो हमारे साथी संत विकास साहेब राम आए और प्रारंभ किए। देखिए, सत्संग के जब हम लोग इकट्ठे हैं तो बड़ी सहजता से जीवन को समझने का प्रयास करेंगे। बहुत इसमें कॉम्प्लिकेटेड करने की ज़रूरत नहीं है कि बड़ा उदासीन, बहुत बड़ी बात सुनने आ रहे हैं, ऐसा कुछ समझना मत। मैं पहले ही क्लियरिफाई कर देता हूँ, कुछ नहीं है। हमको अपने को समझना है, अपने जीवन को समझना है और बस इसको बढ़िया कर लेना है। इन्हीं सब बातों को सरलता से हम समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन जो कुछ कहूँ उसके पहले कहानी कहने का मन हो गया है। आप लोगों को देख करके, इतने लोग आए, पिछले साल भी आए, इस साल भी आए, और जो कहानी मैं प्रायः कहा करता हूँ, आज फिर से उसे मैं दोहराना चाहता हूँ। वो एक राजा की एक बेटी थी और बेटी बहुत योग्य एक ही थी, एकलौती बेटी थी और कोई संतान नहीं, और बहुत योग्य, सुंदर भी, योग्य भी, सब प्रकार से शादी योग्य हो गई। तो आसपास के जो राजकुमार थे, रजवाड़े थे, उनका मन होता था कि राजकुमारी से हम ब्याह करें, राजकुमारी को ब्याह करें। और कई राजकुमारों के मन में होता रहा, सभी ने प्रस्ताव रखा। राजा असमंजस में पड़ गए कि हम आखिर बेटी तो एक ही है और बहुत से रिश्ते आ रहे हैं, करें क्या? तो फिर राजा ने कहा कि नहीं, कुछ तो करना पड़ेगा, चुनाव करना पड़ेगा, परीक्षा लेनी होगी। फिर उन्होंने कहा ठीक है, तो जितने राजकुमार योग्य थे उन सबको आमंत्रित किया, आप सभी आए और आज एक परीक्षा होगी, उस परीक्षा में जो भी पास होगा उसके साथ मैं अपनी बेटी की शादी करूंगा। तो सभी आ गए, बहुत से राजकुमार इकट्ठे हुए आसपास के जो रजवाड़े थे उनमें से, और वो सबको लेकर जो आगंतुक राजकुमार आए थे, और भी उस राज्य के, राजा के राज्य के कुछ गणमान्य व्यक्ति, कई लोग चले और ले गए। एक बड़ा सा तालाब था नगर के पास में, बड़ा सा तालाब था, उस तालाब के जो बंधा था, मेड़ी थी, वहाँ पर सब खड़े हो गए। कहा यहाँ होगी परीक्षा। क्या होगी? देखिए, इस तालाब में जो भी उम्मीदवार हैं वो छलांग लगाएंगे, तैरेंगे और तैर करके उस पार पहुँचेगा। जो प्रथम आएगा उससे मेरी बेटी की शादी होगी, और शादी में जो दहेज होगा, जो गिफ्ट दिया जाएगा, वो क्या होगा?
मेरा पूरा राज्य, क्योंकि दूसरा तो था नहीं, बेटी अकेली थी, तो वो मेरा दामाद तो बनेगा, वो राजा भी बन गया समझो, यहाँ का पूरा इस राज्य का मालिक भी हो जाएगा। बड़ी बात थी, बड़ी उपलब्धि थी, सबके मन में हुआ। और उन्होंने कहा अभी घंटी बजेगी और बस आप लोग इस तालाब में कूदना और उस पार पहले पहुंचना है। लेकिन घंटी बजने के पहले उन्होंने एक अनाउंस किया फिर से, क्या कहा, लेकिन इस तालाब में देश के विभिन्न क्षेत्रों से हजारों जहरीले सांप ला करके छोड़े गए हैं इस तालाब में, इस तालाब में हजारों जहरीले सांप छोड़ दिए गए हैं। जैसे ही उन्होंने, लोगों ने सुना, तालाब तो पार करने का मन था लेकिन इस तालाब में हजारों जहरीले सांप इधर उधर से पूरे क्षेत्र से देश से लाए गए हैं। अब और घंटी बज गई, घंटी तो बज गई लेकिन अब कोई कूदने को तैयार नहीं, क्योंकि सांप का जैसे नाम सुने तो सबने सोचा बड़ा गड़बड़ है, और सब विचार विमर्श में कैसे करें क्या करें। इतने में एक आदमी छलांग लगा दिया और बस फटाफट वो इतनी तेजी से तैरते 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 उस पार चला गया, अकेला ही था, कोई कंपटीशन भी नहीं, और उस पार पहुंच गया। और जब वो पहुंचा वो राजकुमार, तो उसके जो आए थे मित्रगण बहुत उसके राज्य से, सब दौड़े उधर और दौड़ करके उसको कंधे पर उठा लिए और बस राजा बन गए। तो राजकुमार बस दूल्हा बन गए, राजा बन गए, वाह वाह करने लगे। इतने वो राजकुमार था जिसको कंधे पर उठाए थे, जो छलांग जो कूद करके उस पार गया था, वो जोर से चिल्लाया, चुप रहो, जय बुलाना बंद करो, पहले यह बताओ मुझे इस तालाब में धक्का किसने दिया था। धक्का चाहे जिसने भी दिया हो, वो राजा तो बन गया था ना, सही है ना। मैं ये कहना चाहता हूँ आप लोग इस सत्संग में आए तो यहाँ आने के लिए आपको धक्का जिसने भी दिया हो उनके लिए एक जोरदार ताली तो लगाओ जरा से। और मान लो किसी ने धक्का नहीं दिया और खुद ने आया धक्का लगा करके, तो आपके लिए थोड़ा डबल ताली लगनी चाहिए, क्योंकि आप लोग और महत्वपूर्ण हैं। अब कुछ बातें करें। हमारे जीवन में इस प्रकार के सत्संग की आवश्यकता ही क्यों पड़ती है? जीवन प्रबंधन जैसे विषयों की चर्चा क्यों करनी पड़ती है? क्यों? कई बार मैं इस बात को लोगों के बीच, आप सभी के बीच कहा करता हूं कि बिना सत्संग के भी तो हम जीवन जी सकते हैं ना, लोग जीते भी तो हैं, फिर भी सत्संग, एक साल दो साल कई बार आसपास सत्संग में जाते हैं, क्यों, क्या जरूरत है इन बातों को सुनना और समझना और बार बार इसके लिए हमको समय देना। देखिए एक चीज बताऊं, मैं थोड़ा सा पीछे जाकर के थोड़ा और इसको विस्तार देना चाहूंगा। ये जो पूरी प्रकृति है ना, पूरी सृष्टि, पूरा जो नेचर है, ब्रह्मांड है कहना चाहिए पूरा, यहां पर आप देखेंगे कहीं भी अव्यवस्था नहीं है, कहीं भी अव्यवस्था नहीं है, सब कुछ व्यवस्थित संतुलित और सिस्टम से है। आप देख लीजिए, रोज सुबह सूर्य का उदय होना, शाम को अस्त होना, क्या उसमें अव्यवस्था है? कभी सूर्य भूलता है? आप देखें जरा इस चीज को। और ऋतुओं का परिवर्तन, दिन रात का होना, ऋतुओं का परिवर्तन, कहीं भी अव्यवस्था नहीं। पृथ्वी अपने आप में एक चक्कर लगा लेती है,
और सूर्य की एक परिक्रमा करती है, पूरे सूर्य का वो चक्कर लगाती है, तो वो 365 दिन लगते हैं। और इसी में मौसम का परिवर्तन होता है, एक बार अपने आप में घूम जाती है तो दिन रात हो जाते हैं 24 घंटे में। कभी भी देखें, कभी इसमें परिवर्तन होते, अव्यवस्था होते, कभी नहीं हुआ है। समय से बारिश हो जाती है, समय से गर्मी हो जाती है, समय से ठंडी हो जाती है, सब कुछ सिस्टम से अव्यवस्था बिल्कुल भी नहीं है, सारी व्यवस्था होती है। सही कहा जाए ना, इस पूरी पृथ्वी में, इस पूरी सृष्टि में कहना चाहिए, इतनी सुंदर व्यवस्था है। सूर्य देखिए हमारे से, हम सब से करोड़ों किलोमीटर दूर सूर्य वहाँ से रोशनी देता है। यदि सूर्य का रोशनी, सूर्य का ताप मिलना बंद हो जाए, सूर्य का उदय होना बंद हो जाए, हम में से कोई जिंदा रहेगा? एक प्राणी भी जीवित नहीं रहेगा। कितनी बड़ी बात है कि वहाँ से हमको सूर्य की रोशनी मिलती, ताप मिलता है और हमें जीवन मिलता है, जीने लायक बनते हैं हम। कार्बन डाइऑक्साइड जब ऑक्सीजन लेते हैं, श्वास लेते हैं, श्वास छोड़ते हैं, जिंदा रहने के लिए बहुत जरूरी है ये, श्वास लेना श्वास छोड़ना। और जब सांस छोड़ते हैं तो फिर वह विकृत रहता है, जिसे हम लोग कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। और वो यदि लगातार छूटता रहे, उसका फिर से परिवर्तन न किया जाए, फिर से उसको परिशुद्ध न हो, तो फिर हम जीवित भी नहीं रहेंगे। तो ये जितने पेड़ पौधे दिखते हैं ना, सब हमें फिर से ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। अच्छा एक बात और, वो क्या है, बिना पैसे के फ्री ऑफ कास्ट। आप देखें ना, ना आपको सूर्य के, सूर्य की रोशनी का, सूर्य के ताप का पैसे लगते हैं, ना आपको ऑक्सीजन के पैसे लगते हैं, सब फ्री में मिलते हैं। कितनी बड़ी व्यवस्था है। क्यों व्यवस्था है ये सब? ताकि हम जीवित रह सकें, और न केवल जीवित रह सकें, सुख से जी सकें, सुख से जी सकें। इसी के लिए है। और बारिश होती है समय से, आप देखिए बारिश होती है, बारिश न हो, पानी न मिले हमको, कितनी देर तक जिंदा रहेंगे? ये सब चीज़ें हमको कितनी ज़रूरत है, पानी चाहिए, हवा चाहिए, गर्मी चाहिए, भोजन चाहिए। देखो पृथ्वी को कितने, जनसंख्या बढ़ती चली जा रही है लेकिन अन्न की पैदावारी कम नहीं हो रही है, फिर भी मिलती चली जा रही है। कितनी सुंदर व्यवस्था है ये सारी चीज़ें। आपको एक चीज़ बताऊं मैं, एक छोटा सा भी पौधा हो, चाहे बड़ा सा भी वृक्ष हो, इस पृथ्वी के अलावा करोड़ों करोड़ों किलोमीटर दूर एक नन्हा सा भी पौधा नहीं पाएंगे आप। यहाँ से अलग हो जाइए आप, इस पृथ्वी, इस धरातल से एक छोटा सा भी पौधा नहीं पाएंगे आप। यही है वो पौधा। हमको क्या लगता है, पेड़ है, पेड़ है, जरूरत पड़ी काट दिए, उखाड़ दिए, कुछ भी कर दिए, लेकिन आप इसकी अहमियत को समझ रहे हैं? एक पौधे को जीवित रहने के लिए जो एनवायरनमेंट चाहिए, जो व्यवस्था चाहिए, जो सर्कुलेशन चाहिए, जो सिस्टम चाहिए, वो यही है। और केवल पौधा नहीं है, एक जीवन देख लो, एक जीवन, एक प्राणी भी, मनुष्य की बातें अलग है। कोई है इस पृथ्वी के अलावा? आज तक तो सूचना नहीं मिली, खबर नहीं आई है। वहां ये जीवित रहने के लिए सूर्य व्यवस्था है। चंद्रमा भी वैज्ञानिक गए लेकिन वहां पर आदमी नहीं मिले, एक पेड़ नहीं मिला, क्योंकि वहां तो पेड़ को जीवित रहने के लिए, किसी प्राणी को जीवित रहने के लिए वहां व्यवस्था ही नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूं कि इस पूरी सृष्टि में सुंदर व्यवस्था है। किस लिए है? ताकि हम सब जीवित रहें और सुख से जीवित रहें, आनंद का अनुभव कर सके। इतनी व्यवस्था है। और इतना ही नहीं, पृथ्वी की बात ही तो अलग है। अभी और आइए नीचे, आप अपने ही देश को देख लीजिए, हमारे देश के पूरी सीमा पर चारों तरफ सिपाही तैनात हैं।
कठिन ठंडी बहुत ठंडी होती है, ऐसे भी क्षेत्र हैं जहां -20 तक और बहुत ज़्यादा भी, वहां जाकर के हमारे देश की सिपाही खड़े हैं। बहुत गर्मी है, बरसात हो, हर समय सिपाही, चाहे वो जल में, थल में, आकाश में, सब कुछ चौकसी बरत रहे हैं। क्यों? ताकि हमारे देश के लोग अमन चैन की जिंदगी जी सके। अमन चैन की ये कितनी बड़ी व्यवस्था है। आप एक थैला लेते हैं और पैसा लेते हैं, बाजार चले जाते हैं, सौदा खरीद के ले आते हैं। आपको लगता है कि ये सरल काम है? यदि पुलिस और कानून उठा लिया जाए, पुलिस की व्यवस्था खत्म कर दी जाए और कानून नाम की चीज खत्म कर दी जाए, तो क्या आप थैले लेकर के, पैसा लेकर के सौदा खरीदने जा सकते हैं? कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी व्यवस्था है। हम घर में रहते हैं, बाहर से काम करके आते हैं और आप हमारे लिए सुंदर भोजन मिल जाता है, घर साफ मिल जाता है, बीमार पड़ जाते हैं कोई अस्पताल ले जाने वाला होता है, कोई हमारी सेवा करने वाला हो जाता है। व्यवस्था एक नहीं है, कितनी अच्छी व्यवस्था है। और केवल हम सब प्राणी की बात नहीं है, पशुओं में देखो, पशु पक्षियों में देखो, कोई अव्यवस्था है, कोई गड़बड़ी, कोई असंतुलन है? पक्षियों में देखो, जल चर, नभ चर, थल, कोई भी प्राणी को देखो, दुनिया में या सृष्टि में जो भी अव्यवस्था होती है, हम मनुष्यों के नाते होती है। सृष्टि में आप देख लीजिए, कहीं भी। और सृष्टि को हम इतना तहस नहस करते हैं, उनके जो सिस्टम से इतनी छेड़खानी करते हैं कि हमें वो पनिश करने के लिए कोरोना जैसी बीमारी आ जाती है फिर, और बहुत सी बातें होती है फिर, चाहे वो सुनामी हो, चाहे कुछ भी हो, ये बहुत बातें होती हैं। तो मैं कह रहा था, इस पूरी सृष्टि की बात कह रहा था कि ये कितनी सुंदर व्यवस्था है। और प्राणियों को देखो, मैंने कहा कि चाहे वो पशु हो, पक्षी हो, चाहे जलचर प्राणी हो, कोई भी हो, सभी बहुत बढ़िया ढंग से जी रहे हैं। यदि वे सब भी यदि परेशान हैं, तो किसके नाते परेशान होंगे, किससे नाते भयभीत होंगे? कहा जाता है ये जो सृष्टि के निर्माता, हम लोग तो नहीं मानते कि सृष्टि का कोई निर्माता है, लेकिन यदि कहा जाए कोई भगवान या ईश्वर जो भी हो, तो उन्होंने सभी प्राणियों के एक एक प्रतिनिधि, जितने जीवधारी हैं, सभी के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया, सभी प्राणी आ जाएं, उसके प्रतिनिधि आ जाएं, कुछ मीटिंग करनी है, कुछ वार्ता करनी है। और सभी जब इकट्ठे हो गए, तो उन्होंने कहा, ईश्वर ने, भगवान ने कहा, अच्छा ये बताओ, इस सृष्टि में सुख शांति पूर्वक जीवन यापन हो, सभी अमन चैन से जीवन जिएं, सब जगह बढ़िया हो, इसके लिए क्या सुधार किया जाए, क्या परिवर्तन किया जा सकता है, सबसे पूछे। तो पूछा सबसे, अन्य प्राणियों से पूछा, मनुष्यों का नंबर बाद में लगेगा ना, अन्य से पूछे उन लोगों, उन सबसे। तो कहा कि आकाश में चलने वाले प्राणी, आकाशगामी जो पक्षी उड़ने वाले, उनसे बताओ जरा से, आप सुख शांति से जीवन जी सकें, इसके लिए मैं क्या करूं, क्या कर सकूं कि आप लोगों को निर्भयता पूर्वक आराम और आनंद से जी सको। उन्होंने कहा, भगवान आप यदि हमें निर्भय करना चाहते हैं, सुख शांति से जीवन जीना, जीवन देना चाहते हैं, तो बस एक ही निवेदन है, ये जो मनुष्य नाम का प्राणी ना, बस इसी को हटा दो दुनिया से, और कुछ मत करो हमारे लिए। हम बड़े निर्दोष ऊपर आकाश में उड़ते रहते हैं, यहीं से गोली मार देता है और हम नीचे आ जाते हैं, मर जाते हैं, कुछ भी नहीं बिगाड़ते उनका, कोई नुकसान नहीं करते। पक्षियों ने कहा, बस ये मनुष्य भर ना हो, हम बड़े अरमान चैन से रह लेंगे। फिर पूछा गया, जल वाले प्राणी से, जलचर जो जल में रहते हैं, बताओ आप सबको क्या ख्याल है?
आप सब सुख शांति और निर्भयता पूर्वक जीवन जी सको, इसके लिए मैं क्या व्यवस्था करूं, क्या कुछ परिवर्तन करूं। उन्होंने भी वही कहा, बस वही बात है, हम सुख से रह लेंगे, आराम से रह लेंगे, बस ये मनुष्य भर हमारे जीवन को छेड़खानी न करे। आप लोग समझ गए होंगे। और थलचर जितने दिख रहे हैं, थल पर रहने वाले, अब नाम चाहे अभी यही नज़दीक से ले लो, चाहे वो मुर्गा हो, चाहे वो बकरा हो, भेड़ा हो, भैंसा हो, जितना नाम ले लो, और भी पशु पक्षी, पहले और शिकारी शिकार करने, हिरण को शिकार करने, उसको शिकार करने लोग जाया ही करते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये जो बातें बता रहा हूँ ये कहानी काल्पनिक है, लेकिन संदेश क्या है, सारी अव्यवस्था मनुष्यों में है, हम सभी अव्यवस्थित जीवन जीते हैं, असंतुलित जीवन जीते हैं, और इसीलिए हमारे जीवन में दुख है, अशांति है, संघर्ष है, और बहुत सारी बीमारियां हम सबके जीवन में हैं। और इसी के लिए जीवन प्रबंधन, मैं क्या कहना चाहता हूँ, ये चूंकि पूरी अव्यवस्था है, इससे फिर से हम व्यवस्थित जीवन जी सकें, फिर से बढ़िया जीवन जी सकें, फिर से हम निर्भय हो करके दूसरों को भी निर्भय करते हुए हम जी सकें, इसलिए हमें सत्संग की आवश्यकता होती है, हमें जीवन को सही करने की ज़रूरत होती है। और इसीलिए इन सब बातों को हमें फिर से सुनना होता है, जानना होता है, आखिर हम कहाँ चूक रहे हैं, कहाँ गलती कर रहे हैं, क्या मैं उसे ठीक कर सकता हूँ। बिल्कुल ठीक कर सकते हैं, ये एक बात। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ वह यह है, सत्संग करके जितने भी उपदेशक हैं, भैया माइक वाले थोड़ा सा ट्रेवल कम करो जी, बेस बढ़ाओ, जी जी कर लो, हेलो, हाँ, जितने भी उपदेशक हैं, हम तो कबीर के अनुगामी हैं, लेकिन जो भी मतपंथ हैं दुनिया में, कोई भी उपदेशक या जितने भी शास्त्र हैं, वे सब उपदेश क्यों करते हैं, शास्त्रों को क्यों रचते हैं, उसमें क्या संदेश है, किस लिए करते हैं, वो इस भरोसे से करते हैं कि मनुष्य में एक संभावना है, मनुष्य में परिवर्तन की संभावना है, मनुष्य में बदलाव की संभावना है, मनुष्य के लिए ही उपदेश है, मनुष्य ही अपने जीवन को बदल कर एक नए ढंग से जीवन जी सकता है, नए ढंग से। देखिए एक चीज बताऊं मैं, आपके सामने आसपास जो पशु पक्षी उसको देख लो, वह आज से, जैसे बंदर, हजार साल पहले भी बंदर था, आज भी बंदर है, और आगे भी बंदर रहना है, उसको आगे भी रहना है, चाहे जितने दिन बीतते चले जाएं। मनुष्य बिल्कुल अलग है, आप देख लीजिए, हम यहाँ पढ़े लिखे लोग बैठे हुए हैं, जो पढ़ा जाता है पहले कैसे आता था, कैसे विकास होता चला गया, पहले कहते हैं ना जी एकदम से पाषाण काल, पूर्व पाषाण काल, जंगलों में रहा करते थे, और बस कोई हथियार ही नहीं होता था, एक दूसरे के साथ लड़ जाते थे, जो जीत जाता वो खा लेते थे, मनुष्य भी वही रहते थे, न वो कपड़ा पहनते थे, न वो आग के बारे में जानते थे, न वो भोजन बनाना जानते थे, न खेती करना जानते थे, तब की बात देखो। लेकिन मनुष्य के अंदर कुछ अजीब सी बात, कुछ अद्भुत है, और धीरे धीरे विकास करते 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 आज कितना विकास कर लिया है, आज कितना, क्यों बदल रहा है ना, बदलने की संभावना है, मनुष्य में परिवर्तन की संभावना है, मनुष्य में इतनी संभावना है कि वह अपने जीवन को मन पसंद का बना सकता है, जैसा चाहे वैसा जीवन वह निर्मित कर सकता है, इसमें संभावना बहुत है। कौन सी संभावना है, वही संभावना है जो बुद्ध के अंदर थी,
वही संभावना है जो महावीर के अंदर थी, वही संभावना है जो राम और कृष्ण, ईसा और मोहम्मद, कबीर और नानक, वही संभावना हर प्राणी में है, हर प्राणी में है। वही शक्ति है, वही क्षमता है, लेकिन हम उस संभावना को वास्तविकता में बदलने का काम नहीं करते। पिछले साल भी उदाहरण दिया था मैं, जैसे बीज होता है ना, बीज, छोटा सा बीज, बहुत छोटा बीज, उसमें भी विशाल वृक्ष बनने की संभावना है, अर्थात उसमें वृक्ष समाया हुआ है, ऑलरेडी वृक्ष है बस। लेकिन क्या सभी बीज वृक्ष बन पाते हैं? नहीं बन पाते हैं, सभी बीज वृक्ष नहीं बन पाते। वैसे ही है, यदि बीज को हम वृक्ष बन सकता है, लेकिन तुरंत उसको तोड़ के देखना चाहें वृक्ष को नहीं दिखेगा, या फिर हम चाहेंगे कि चलो रख देते हैं कुछ वर्षों तक के बाद में पता चलेगा, तो भी नहीं होगा। उसका एक सिस्टम है, उस संभावना को वास्तविकता में लाने का एक सिस्टम है। यही हम सबके लिए भी है, यही हम सबके जीवन के लिए है। हम सब में सुख शांति के अनुभव करने की संभावना है, हमारे जीवन में आपस में प्रेम से रहने की संभावना है, पर्याप्त धन पाने की संभावना है, और स्वस्थ जीवन जीने की संभावना है। इन सारी संभावनाओं को हमें विकसित करना है, और इसी बात को समझने और जानने के लिए हम सत्संग में आते हैं, इसी के लिए हम जीवन को व्यवस्थित करना चाहते हैं, और इसीलिए तो जो जीवन प्रबंधन की बात कही जाती है, इसीलिए कही जाती है। तो हम सभी एक काम करते हैं कि जीवन को हम क्रम क्रम समझना शुरू करते हैं। आज से सत्संग के बारे में मैंने बताया कि ये कितना महत्वपूर्ण है, कि हमें ये जीवन को पहले से सिस्टम सिखाता है कि भाई तुम जो जीवन है उसको अस्त व्यस्त मत जियो। एक है सुधरा हुआ जीवन और एक है बिगड़ा हुआ जीवन, दोनों के अंतर को समझें आप। एक है सुधरा हुआ जीवन और दूसरा है बिगड़ा हुआ जीवन। जैसे एक है साफ सुथरा मकान और दूसरा है कचड़ों से भरा, धूल और कचड़ों से भरा मकान। किस मकान को पसंद करेंगे? साफ सुथरा वाला। एक गंदा कपड़ा, एक साफ कपड़ा, हम साफ कपड़ा पसंद करेंगे। ऐसे ही है, एक जीवन जो सुधरा हुआ है और एक जीवन जो बिगड़ा हुआ है, हम किसको पसंद करेंगे? हम सभी क्या चाहेंगे? वह जीवन जो सुधरा हुआ हो, वह जीवन जिसमें सुधार हो, अर्थात एक ऐसा इंसान जो जिसका खान पान सही, गलत खाता पीता नहीं, उनके शब्द भी सही निकलते हैं, जब वो बोलता है तो सही बात बोलता है, जब करता है तो भी बढ़िया करता है, ऐसे लोग अच्छे लगेंगे। और एक दूसरा आदमी है जिसका खान पान भी गलत, कुछ भी खाए चला जा रहा, खाए पिए चला जा रहा है, जो उनके स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक, परिवार में उस खान पान को लेकर के मनाही है, और हर दृष्टि से उन सब चीज़ों को खाना पीना, नशा करना, क्या मतलब है इसका? और जब बोलते हैं तो वाणी भी गलत निकलती है, कार्य भी गलत होते हैं, ये क्या है? ये एक असंतुलित जीवन का परिणाम है, जिसे हम कह सकते हैं एक बिगड़ा हुआ जीवन और दूसरा है सुधरा हुआ जीवन। जो जीवन सुधारा हुआ है, सुधार दिया गया है, बढ़िया बना दिया गया है, उसी जीवन में तो अच्छे परिणाम आएंगे। किसी अच्छे परिणाम कहाँ से आएंगे? आपकी एक गाड़ी बिगड़ी हुई है, एक दूसरी गाड़ी है जो सब भांति ठीक है, सब कुछ ठीक है, आप किस गाड़ी को चलाना पसंद? वही गाड़ी चलाना चाहेंगे ना, बिगड़ी हुई चलाएंगे नहीं, सुधरी हुई और बढ़िया जो चल रही हो, ठीक ठाक हो, हर दृष्टि से ठीक हो, उसी को चलाना चाहेंगे। ऐसे ही हमारा जीवन है, हमें वही जीवन अच्छा लगेगा, हमें ही नहीं दूसरों को भी,
हमें ही नहीं दूसरों को भी अच्छा लगेगा। जिसका जीवन अच्छा होता है, व्यवस्थित होता है, उसे सभी पसंद करते हैं। और हम गंदे जीवन को, गलत जीवन को, गलत ढंग से काम करने वाले को हम पसंद नहीं करते हैं। इसलिए हमें अपने जीवन को संवारना है, अपने जीवन को तराशना है, अपने जीवन को ठीक करना है। अपने जीवन को तराशना, संवारना और ठीक करना है। तराशने के संबंध में जैसे मैं बताऊं, कहीं कहीं आप किसी पार्क में गए होंगे, लखनऊ में बहुत सारे पार्क हैं, या फिर कोई कहीं कहीं जो घर वाले भी जिनके पास में काफ़ी जगह होती है वे भी अपने गार्डनिंग किए रहते हैं, फूल की क्यारी होती है, हरियाली, नीचे घास लगाए होते हैं, तो वहाँ आप जाकर के देखेंगे तो क्या होगा, पौधे होते हैं, कुछ ऐसे पेड़ पौधे होंगे जो बेतरतीब बढ़ रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जिन्हें तराशा गया है, जो संवारा और तराशे जाते हैं वे पेड़ पौधे बहुत अच्छे लगते हैं। जैसे आप किसी गार्डन में जाए तो वहाँ पर कचड़े भरे हों, इधर उधर प्लास्टिकें या कागज़ के टुकड़े और कोई खाया पिया सामान बिखरा हुआ हो, और पौधे मुरझाए हुए हों, जैसे लगता है घास तो कभी कटिंग हुई ही नहीं है, आप बहुत देर तक वहाँ रहना पसंद नहीं करेंगे। लेकिन एक ऐसे पार्क में जाना पसंद करते हैं जहाँ पर सुंदर हरियाली है, जहाँ पर फूलों की सुगंधी आ रही है, चारों तरफ देख के सुकून लगता है, साफ सुथरा, क्यों, वहाँ पर कोई है जो उसको व्यवस्था दे रहा है, एक सुंदर सी उसको सिस्टम तराशा जा रहा है, सींचा जा रहा है, ठीक किया जा रहा है, वहाँ वो पार्क अच्छे लगते हैं, वे पौधे अच्छे लगते हैं। क्या किया गया है, उसको संवारा और तराशा गया है, बस यही बात है। क्या हम अपने जीवन को इसी प्रकार से संवारते और तराशते हैं? कौन करेगा ये काम? और जहाँ तक तराशने की बात आती है तब तो हीरे की बात आती ही है, हीरे की बात याद आती ही है। जिस शहर में आश्रम है, जहाँ हम लोग रहा करते हैं, गुरुदेव जी का आश्रम है, सूरत गुजरात का एक शहर है, सूरत, जिसे डायमंड सिटी भी कहते हैं, जहाँ पर हीरे तराशने का काम किया जाता है, हीरे को तराशा जाता है। तो जो बिना तराशे हुए हीरे को जब आप देखेंगे कभी, तो क्या होता है, ऐसा लगेगा जैसे कोई वो उसमें कोई बालू या कंकड़ को उठा लाए हैं, थोड़ा सा पीला पीला मटमैला लगेगा, वो बढ़िया नहीं लगता है, लेकिन जब उसे तराश दिया जाता है तो 56 पल, बहुत छोटे हीरे को मुझे दिखाएं वो लोग ला करके, बहुत छोटा सा भी रहेगा 56 पहल बनते हैं उसमें, और उसकी चमक बढ़ जाती है, उसकी कीमत बढ़ जाती है। हीरा वही है, लेकिन जब तराश दिया गया तो उसकी कीमत बढ़ गई। वही बात है हम सबके जीवन की, जीवन को जब तराश देते हैं हम लोग तो इसकी कीमत बढ़ जाती है और इसकी चमक बढ़ जाती है। और ये काम हमें करना है, ये ध्यान दीजिए आप लोग, ये काम हम सबको करना है कि कैसे हम अपने जीवन को तराश लें जिसकी जीवन की चमक बढ़ जाए और जीवन की कीमत बढ़ जाए। तो हमें जानना पड़ेगा कि कौन कौन से हमारे जीवन के खुरदुरे अंश हैं, थोड़ा चेक करने की ज़रूरत पड़ेगी, कहाँ कहाँ कुछ गड़बड़ी है, कैसे है, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। देखो, ध्यान नहीं देंगे ना तो वैसी चलता रहता है वो, जहाँ ध्यान दिया जाता है वहीं विकास होता है, और जहाँ ध्यान नहीं दिया जाता है वहाँ विकास नहीं होता है। जैसे आपके घर में कुछ बच्चे हों, मान लो किसी के घर में 7-8 बच्चे हों, कल्पना करिए इस चीज़ को, किसी के घर में 7-8 बच्चे हों, लेकिन उनमें से 3-4 बच्चों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, अर्थात उनके खान पान पर ध्यान दिया जा रहा है,
उनके पहनने ओढ़ने पर ध्यान दिया जा रहा है, पढ़ने लिखने पर ध्यान दिया जा रहा है, उनके स्वास्थ्य पर ध्यान दिया जा रहा है, हर दृष्टि से ध्यान दिया जा रहा है, तो उन बच्चों का विकास बढ़िया होगा। और उन्हीं में से कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, चाहे बच्चे कब उठ रहे हैं, कब सो रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या नहीं खा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं, पहन ओढ़ रहे हैं, कुछ भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है, उन बच्चों का विकास नहीं हो पाएगा। क्यों? जहाँ ध्यान दिया गया वही अच्छा हुआ और वही विकास हुआ। मैंने अभी पौधों को उदाहरण माली उदाहरण दिया गार्डन के बारे में, माली जिन पेड़ पौधों पर विशेष ध्यान देगा वे पौधे अच्छे लगेंगे, हरे भरे रहेंगे, और जिन पेड़ पौधों पर ध्यान ही नहीं देगा वो बस बेतरतीब बढ़ेंगे, किस इधर के उधर या मुरझाए रहेंगे, सही नहीं होंगे। ध्यान देते हैं वो अच्छे होते चले जाते हैं, और जिस पर ध्यान नहीं देते वे बिगड़ते चले जाते हैं। हम अपने जीवन के विभिन्न हिस्सों पर, विभिन्न जो जीवन के क्षेत्र हैं ना जहाँ से हमारा जीवन छूता है, उन हिस्सों पर हम ध्यान देते हैं, जब ध्यान देने लगेंगे वो अच्छे होते चले जाएंगे। यदि आप अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देने लग जाएंगे, स्वास्थ्य सुधरता चला जाएगा। यदि आप संबंधों पर ध्यान देने लग जाएंगे तो संबंध सुंदर होते चले जाएंगे। यदि आप चाहते हैं कि जो मेरी आमदनी है उसको और मुझे ग्रोथ करनी है, ध्यान देने लग जाएंगे और उसी अकॉर्डिंग मेहनत करने जाएंगे तो बढ़ता चला जाएगा। ऐसे ही मन की शांति की बात भी है। मन की शांति, मन मेरा शांत हो, मेरा मन मुझे अंदर से परेशान न करे, मैं कभी हो तो अकेले बैठूं तो भी मेरा मन शांत और प्रसन्न रहे। ध्यान दो जरा से, जब ध्यान देने लगोगे तो वहाँ पर विकास शुरू हो जाएगा, और नहीं ध्यान देंगे तो कुछ भी सोचे चले जाएंगे। आप देख लीजिए, कुछ भी उठे जब से सोच रहे हैं कुछ भी सोचे चले जा रहे हैं, पता ही नहीं क्यों सोच रहे हैं, क्या जरूरत है इसी चीज़ को। और इतना गलत सोचना कि आदमी इतना वो अंदर में वो ब्रेक ही नहीं लगता है, रुकता ही नहीं है, और डिप्रेस हो जाता है, और इतना ज़्यादा वो उसके चिंतन ओवर थिंकिंग होने लग जाती है कि वो बढ़ते बढ़ते कहता है कि अब तो ब्लड प्रेशर हो गया, रक्तचाप बढ़ गया, और वो बढ़ गया फिर और ये हो गया, फिर वो हो गया, ये बीमारी सब मानसिक दबाव से। फिर वो कहाँ, खून पर दबाव आने लग गया, पहले कहाँ आया, मानसिक प्रेशर बढ़ा, कुछ भी सोचे चले जा रहे। ध्यान दो जरा से, क्या सोचना चाहिए क्या नहीं सोचना चाहिए, देखो ठीक होने लग जाएगा। तो जिस क्षेत्र में भी ध्यान आप देंगे वह क्षेत्र सुधरता चला जाएगा। मैंने कहा ना, बच्चों पर ध्यान देंगे वो ठीक होने लग जाएगा, किसी पर भी ध्यान दीजिए आप। यदि गांव वाले या शहर वाले केवल जिस प्रकार अपने घर के बारे में ध्यान देते हैं, क्या गलियों के बारे में ध्यान देते हैं, सड़कों के बारे में ध्यान देते हैं? आप देखेंगे जब कहीं आप टहलने घूमने कहीं जाने लगेंगे ना, तो जितना कचरा घर के होगा ना, फटाफट वो ला करके फेंक देते हैं सड़क पर। मतलब कोई दूसरा है जो साफ करे, कोई दूसरा है जो साफ करे। हमें अपनी जिम्मेदारी, जिन गलियों से मैं चल के जा रहा हूँ वहाँ साफ रहे। हम ध्यान कहाँ दे पाते हैं, नहीं दे पाते हैं। आज से कई साल पहले, ये पहले ही प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने लाल किला के प्राचीर से स्वच्छता के बारे में अभियान छेड़ा। परिणाम आज दिखाई दे रहे हैं, वैसे हमको पता, हम लोग जानते हैं अच्छी तरह से। गाँव में जब जाते थे, कई प्रांतों के जहाँ बाहर सड़कों के बाहर सुबह सुबह निकलना बहुत दुभर होता था, इतने मैले गंदगी होती थी, किसकी, मनुष्यों की भाई, पशु पक्षियों की नहीं, इतने मैले और गंदगी किए रहते थे कि आपका चलना कठिन होता था। लेकिन आज उन्हीं गांवों में जब हम चलते हैं तो पता चलता है, वहाँ लिखा रहता है कि खुले में शौच मुक्त मैदान ग्राम, खुले में शौच मुक्त। अब यहाँ पर खुले में शौच नहीं जाते हैं, और शुरू शुरू जब हुआ तो कई जगह चौकसी की जाती थी, दंडित किया जाता था, बिल्कुल सड़क साफ, दोनों तरफ मैदान साफ, ध्यान दिया गया ना। पहले भी थोड़ा तो कोई ध्यान नहीं दे रहा था,
प्लेटफार्म देखो, आज हमारे भारत की बहुत कुछ सफा होने लग गई, बहुत अच्छे लगते हैं आज भी सफाई के बारे में देखें तो। लेकिन मैंने कहा ना, ये दुनिया का जो बुरा हाल किया ना, किसने किया है, किसने किया है बताओ तो सही। अच्छा, इसी के लिए हम लोग के लिए उपदेश भी है इसी के लिए उपदेश भी है। सारी अव्यवस्था हम ही लोग करते हैं। आखिर में केवल कोई कर्मचारी ही मिलकर के, प्रशासन ही मिलकर के स्वच्छता नहीं रख सकती है, उसको जिम्मेदारी खुद को लेनी पड़ेगी, खुद को। और ये खास बात, ये देखो ख्याल आ गई स्वच्छता के बारे में, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। और ये आपको घर से शुरू करनी है, आपके बाल बच्चों में ही ये संस्कार डाल दो। ये भी जीवन प्रबंधन ही तो है मनुष्य का प्रबंधन। आखिर में हम अपने गलियों का प्रबंधन न कर सके, अपने घर की प्रबंधन न कर सके, हम अपने आसपास की ठीक व्यवस्था न कर सकें, तो फिर कैसा जीवन होगा? फिर केवल यहाँ सत्संग में बैठ करके हम आत्मा और परमात्मा की चर्चा करने से हमारा जीवन नहीं बदलेगा। हमको तो पूरा स्ट्रक्चर बदलना है ना, पूरा सिस्टम बदलना करना चाह रहे हैं। और वो कहाँ से शुरू होती है? हमारी मन से, हमारी सोच से। जब वहाँ हमने ध्यान देना शुरू, हमने प्रयास किया कि नहीं मुझे ये करना है, तो आपको शुरू से ही बताना पड़ेगा बच्चों को। नहीं तो क्या होगा, आजकल भी क्या होता है, क्या बताएं, कई बार तो देखो लोग ऐसा गुटखा खाने वाले करते, फाड़ते हैं मुंह से, दांत से, और खाए ऊपर उलेड़ दिए बहुत सारा कचड़ा और फेंक दिए। अच्छा, उसको कौन फेंकेगा? कोई दूसरा आएगा, है ना। और आजकल तो पैकेट वाला वो आते हैं ना, कुरकुरे मुरमुरे कहते हैं, क्या बताया जाए, उसको खाएंगे और फेंकेंगे कहीं भी, कौन करेगा। मैं कहना चाहता हूँ, इन बच्चों को सिखाओ शुरू से। आप कोई चीज़ खाएं बच्चे, तो उसे कचड़े को आपको कचड़े की पेटी में डालना है। शुरू से ध्यान दो ना, तुरंत उसको कहो इस चीज़ को कि नहीं ऐसा नहीं करना है। और हो तो तुम बताओ, प्रशिक्षित करो उन सब बच्चों को। यही बच्चे आगे चल करके हमारे देश के भावी नागरिक बनेंगे, और यहीं से ठीक होना शुरू। और वो खुद नहीं, वो उनको चाह वो कर ही नहीं सकते फिर तो, क्योंकि उनके संस्कार बदल जाएंगे, उसके DNA में परिवर्तन आ जाएगा, वो करेंगे ही नहीं फिर ऐसी गलती। उसको बार बार कहना नहीं पड़ेगा कि ऐसे करना है वैसे करना है। मैंने एक जगह पढ़ा, सफाई करने से नहीं रखने से होगी। क्या कहा? सफाई करने से नहीं रखने से होगी। कब तक कोई करता रहेगा? अब उधर से सफाई करके जाए, इधर से फिर कचरा फेंक दो, फिर सफाई, फिर कचरा, नहीं रखो भाई, आप रखो। कहाँ से शुरू करो? घर से शुरू करो, घर से शुरू करो उस चीज़ को, आपको ध्यान रखो। अच्छा, मैं क्यों बता रहा हूँ, एक चीज़ बताऊँ मैं आपको। लगता होगा यहाँ पर सत्संग में आप सफाई क्यों करवा रहे हैं, मैं बताना चाहता हूँ आपको। बहुत अच्छी बात आप लोग के मन में आता होगा, तो मैं इसको क्लियरिफाई कर दूँ थोड़ा से। होता क्या है, तीन बच्चे थे एक आदमी के, तीन बेटे। हुआ क्या, तीन बेटों को लेकर के एक भविष्यवक्ता के पास गए कि भाई, भविष्यवक्ता कहा, मेरे इन बेटों का भविष्य के बारे में बताइए कि मेरे बच्चे ये क्या होने वाले, कैसे हैं बच्चे आगे चलकर, क्या इनका भविष्य है। तो वो जो भविष्यवक्ता था, पत्रा तो देखता ही था, लेकिन थोड़ा बड़ा व्यवहारिक था, बहुत ही कुछ अलग ही ढंग के थे वो। तो बच्चों को बैठाए और उन्होंने क्या किया, उन बच्चों को खाने के लिए केले दे दिए, दो दो केले बच्चों को दे दिए। और बच्चों का, बेटे ये केले खाओ। तो बच्चे केले खाते रहे, तब तक वो अपना पत्रा पलटने लगे, पोथी पत्रा। पत्रा तो बहाना था, लेकिन उसकी निगाह कहाँ थी, उन्हीं तीनों बच्चों पर। तो एक बेटा, एक बच्चा था, वो केला खाया और केला खा करके छिलका फेंक दिया। होता है जनरली हम यही करते हैं ना, हम सब यहीं बैठे हैं, वो कितने लोग यही करेंगे, केला छिले और कचड़ा छिलका फेंक दी और केला खा गया। दूसरा था, केला खाया लेकिन छिलके को ले जाकर कचड़े की पेटी में डाला। तीसरा था, उसने क्या किया, केला खाया और छिलके को ले जाकर के वहीं गाय थी, उस गाय को खिला दी। तो ये केले खाने के प्रोग्राम ख़त्म हुआ और उसका पत्रा देखना भी ख़त्म हो गया उसी समय। वो बंद किया और उस पिता को कहा कि तुम्हारे जो तीनों बच्चों में ना एक तो महामूर्ख है, अब इस बता महामूर्ख है, और दूसरा कुछ समझदार है, वो अच्छा है, लेकिन तीसरा है ना
आपके कुल में चार चांद लगाएगा। तो पिता ने पूछा कैसे जाने, कहा उन्होंने कहा व्यवहार ही दर्पण है जो मनुष्य को दिखाता है। अब समझ गए हो ना कौन कौन कुल में दीपक चलाएगा लगाएगा दीपक बनेगा और कौन वहाँ मोर, समझ बात आ गई होगी, समझ रहे ना मैं क्यों बताना चाहता हूँ, आप क्या करना चाहते हैं। हमारे हर क्रियाकलाप हमारे जीवन को बताता है, हमारे हर आप कदम यहाँ से चलते हैं ना, यहाँ से आपका कदम चलना बताएगा कि आपका भीतर क्या है, आपके शब्द बताएंगे आपका भीतर क्या है, आप हैं कैसे इंसान। आप जहाँ जाते हैं वहाँ आप प्रभाव छोड़ के आते हैं, अच्छा या बुरा। आप वहाँ जाके बोलते बहुत हैं तो भी प्रभाव छोड़ते हैं, नहीं बोलते हैं तो भी प्रभाव छोड़ते हैं, कड़वा बोलते हैं तो भी प्रभाव छोड़ते हैं, मीठा छोड़ के आते हैं कि नहीं आते हैं। आप जैसे होता ना फिंगरप्रिंट, चलो फिंगरप्रिंट छोड़ जाते हैं ना, सब फिंगरप्रिंट छोड़ के आते हैं आप किसी न किसी रूप में। अपना कुछ ना कुछ वहाँ एनर्जी आप कुछ ना कुछ चिपका के आते हैं। एक उदाहरण याद आया, एक बस सिटी बस होती ना, तो सिटी बस में लोग यात्री आ रहे थे तो सवारी चढ़ते उतरते एक महिला एक स्टेशन पर सवार होती है और जैसे सवार हुई वो पूरे यात्रियों के साथ में इतनी बदसुलूकी से व्यवहार, इतना भड़बड़ाने लगी, ऐसे ऐसे बोलने लगी, मेरा सामान यहाँ वो हो, जिसके साथ उसके साथ लड़वाना, उसके उस करने पड़ना, उसका धक्का मुक्की, सभी यात्री परेशान हो गए उनसे। और जब तक रही तब तक बस बड़बड़ बड़बड़ कुछ ना कुछ बोलती रही, फिर बस चलती रही चलती रही, लोग आते रहे जाते रहे, उसका स्टेशन आया। अब उतरने के लिए गेट के पास आ गई बस, बस रुकी उतरने ही वाली थी, कंडक्टर ने कहा कि मैडम आप यहाँ कुछ आप कुछ यहाँ पर कुछ आपका छूट रहा है, कुछ छोड़ के जा रही हैं, कुछ छूटा हुआ है। उसने कहा, फिर चेक किया बैग को, क्या छूटा है, कहे नहीं मेरा सारा सामान है, क्या छूटा हुआ है, क्या छोड़ कर जा रही हूँ मैं। उसने कहा आप अपना बुरा प्रभाव छोड़ कर जा रही हैं बस में, आप अपना बुरा प्रभाव छोड़ करके जा रही हैं। आप क्या प्रभाव छोड़ करके जाते हैं, आप क्यों, आपका ही तो जीवन है ना, जहाँ से निकल रहा है ये कार्य, कहाँ से निकल रहे हैं, हमारे से निकल रहे हैं। और इसका मैं एक उल्टा उदाहरण बताऊं, ठीक उल्टा उदाहरण, ऐसे ही बस में आना जाना चलता रहा। एक आदमी था जो किसी कंपनी में काम करता था, दिन भर मेहनत मजदूरी करता था, आया और बस में बैठा रहा। एक दूसरा आदमी आया जो बहुत ऐसा लग रहा था बहुत थका हुआ बैठा है, तो वो अपनी सीट छोड़ दिया और सीट छोड़ आइए बैठिए बैठिए, वो बैठा दिया उसको। फिर उसके पश्चात क्या हुआ, एक दूसरी कहीं पर एक सीट खाली हुई और तो उसको बैठने का अवसर था, लेकिन एक दूसरा आदमी खड़ा था बुजुर्ग, उसका आप आइए बैठिए बैठ जाइए। तो वो जब भी वो सीट खाली मिलती उसको तब भी वो किसी दूसरे को खड़े इंसान को बुलाते आप आग बैठ जाइए आप आग बैठ जाइए। तो जो शुरू में जिसको बैठाया था वो आदमी देख रहा था, अरे जब इनको अवसर मिल रहा है बैठने के लिए लेकिन खुद कैसे नहीं बैठता, उसको बैठाता उसको बैठाता, अपना तो खड़ा ही हुआ है। अंततः अंतिम स्टाप आ गया, अंतिम अंतिम जब आया अब उतरने की बात आ गई, उतरने की बात कहते भैया आपको धन्यवाद है जो मुझे बैठने के लिए सीट दी, सचमुच मैं थका हुआ था, लेकिन एक बात मुझे पूछना है, आपको तो कई बार अवसर मिले कि आपको सीट मिलती थी बैठ सकते थे, आप बैठते नहीं थे, आप दूसरों को बैठने के लिए अवसर देते थे, क्यों क्या बात है। उसने कहा भैया मैं एक सामान्य काम करने वाला आदमी हूँ, किसी कंपनी में काम करता हूँ, देखिए मेरे पास बहुत पैसे नहीं है इसलिए मैं कुछ लोगों को कुछ दे नहीं सकता, लेकिन मेरे मन में हुआ करता है कि मैं लोगों के लिए कुछ अच्छा करूँ, कुछ दूँ, कुछ अपनी ओर से कुछ तो अच्छा करूँ लोगों के हित में, क्या करूँ पैसे तो है नहीं मेरे पास में, तो जब मैं आता हूँ तो देखता हूँ किसी आदमी के लिए अपनी सीट दे देता हूँ ताकि उनको आराम मिल सके, मेरे पास और कुछ नहीं है लेकिन मेरे पास एक अवसर है सेवा करने का, मैं हर बार उनको सीट दे करके बैठने का अवसर देता था, आराम करने का अवसर देता था। वो भी एक प्रभाव छोड़ करके जा रहा था, वो भी एक प्रभाव छोड़ करके जा रहा था, उनके पास पैसे भले नहीं थे लेकिन कुछ दे रहा था,
समझ रहे ना, दे रहा था। कहाँ से दे रहा था? उसके भीतर से आ रही थी देने का भाव। क्या है जीवन में, यही तो सीखना है हम सबको जीवन में, यही जांचना है हम सबको। मैं इसलिए कह रहा था कि जीवन के जो विभिन्न क्षेत्र हैं हमारे, बहुत सारे हमारे पहलू हैं जीवन के, ऐसे ही हम जीवन के विभिन्न क्षेत्रों को देखें, झांकें और वहाँ जो कुछ गड़बड़ी है उसे हम ठीक करें। मैंने कहा ना, उसे तराशें, उसे संवारें, उसे ठीक करने लग जाएं, तो वहाँ के रिजल्ट ठीक आने लग जाएंगे, वहाँ से परिणाम अच्छे आने लग जाएंगे। लेकिन हम सब क्या है, ध्यान ही नहीं देते हैं। कहते हैं ना कि लोग जीने में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि कैसे जीना है इसका ध्यान ही नहीं रख पाते, इसका ख्याल ही नहीं रख पाते हैं। बंधुओं, केवल जीना महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है जीते हुए अच्छे परिणाम आए जीवन में, तभी महत्वपूर्ण है। नहीं तो मैंने कहा ना, पशु पक्षी भी जी रहे हैं, कृमि कीट आदि भी जी, और बढ़िया से जी रहे हैं। उनके जीवन को देखो तो कोई अव्यवस्था नहीं, कोई तकलीफ नहीं है, बढ़िया, कोई शिकायत नहीं है। गुरुदेव जी कहा करते थे, आश्रम में पेड़ पौधे हैं तो पक्षी को देखते थे कि सभी पक्षी पेड़ से उतरे और सब आंगन में चारा चुग रहे हैं। एक दिन प्रवचन में आए गुरुदेव, देखो तो पक्षियों को बैठे, न कोई बड़ा है न कोई छोटा है, सब बराबर हैं, न कोई ऊँची जाति का न बड़ी जाति का, सब बराबर चुग रहे हैं। हम लोगों में ऐसा नहीं है कि एक साथ सब एक साथ चुगे, ऐसा कह करके उनके पास कुछ नहीं है तब भी चुपचाप बढ़िया खुश रहते हैं। जैसे पक्षी के यहाँ कोई मेहमान आ जाता होगा, पक्षी किसी में बैठे डाली पकड़ के ऐसे बैठा हुआ है, कोई मेहमान आया एक दूसरी डाली, हाँ आप भी यहीं बैठ लीजिए, हमारे यहाँ मेहमान आए जब से आए तब से, अरुण कह रहे हैं भाई इनकी चादर जाओ, उनको फ़ोन कर रहे चादर लाओ, यहाँ व्यवस्था, यहाँ सफाई हो, कितना टिमटाम चलता है और तब भी दुखी। कमाल तो ये है, तब भी दुखी। क्यों दुखी हैं? मैंने कहा ना, इतनी सारी सुंदर व्यवस्था के बावजूद यदि हम दुखी हैं, सामाजिक व्यवस्था, देश की व्यवस्था, पारिवारिक व्यवस्था, पूरी सृष्टि की व्यवस्था, इन सारी सुंदर व्यवस्थाओं के बावजूद यदि हम दुखी हैं, उसका जिम्मेदार कौन? हम ही तो हैं। और यदि हम दुखी हैं तो इसे ठीक करने की जिम्मेदारी भी हमारी ही होती है, हमें ठीक करना है, हमें अपने जीवन को ठीक करना है, तभी जा कर के हमारा जीवन व्यवस्थित, संतुलित और ठीक ठाक हो पाएगा। तो आज तो मैंने, हम लोगों ने कुछ थोड़ी सी भूमिका हमने निर्मित की है कि कैसे ये सत्संग की आवश्यकता है, ये जीवन प्रबंधन के विषय में क्यों सुनना जरूरी है, इन सारी चीज़ों को हमने जाना कि सचमुच हमारे जीवन में अव्यवस्था है और उसी का परिणाम है दुख है, अशांति है, पीड़ा है, बहुत सारी बीमारियां हैं, कुछ तो है और संघर्ष है आपस में। हम कुछ ऐसा करें अपने जीवन में कि सारी चीज़ें ठीक होती चली जाएं, क्योंकि हम सभी चाहते हैं जो कुछ हमारे पास है वो और बेहतर होता चला जाए, अच्छा होता चला जाए, और इसके लिए हम सबको काम करना है। तो आने वाले दिनों में हम सब इस विषय पर और विस्तार से चर्चा करना चाहेंगे, एक एक हिस्से को ठीक करना चाहेंगे, एक एक वो ढंग को समझेंगे कि कैसे हम उसको तराशना है, कैसे उसको संवारना है, कैसे उसको ठीक करना है, इन सारी बातों पर हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। आप सभी को आज के लिए धन्यवाद है, जो हमने थोड़ी सी समझा इस चीज़ को कि सचमुच कहाँ अव्यवस्था हो रही है, कैसे करना है इस सब चीज़ों को, और जैसे ही हम उसको ठीक करने लगते हैं बस जीवन ठीक होने लग जाते हैं और जीवन के परिणाम बदलने लग जाएंगे। सबसे बड़ी बात यही है, मैंने कहा ना, उस संभावना है ना, उस संभावना को बस बाहर निकालना है, जो हम कर सकते हैं वो हमें करना है। आज इतना ही, साहेब बंदगी। बोलिए सद्गुरु देव की जय।